वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम निखिल फ्रॉम कैरियर केक सर्विसेज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग रिगार्डिंग। आप सभी लोगों के बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे, ईमेल्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर मैसेज, व्हाट्सएप पर मैसेज, एक ही मैसेज मैंने काफी जगह सेम डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स के थे यार, तो वो डाउट्स मैं आपको बताने वाला हूं आज इस वीडियो में। जोसा काउंसलिंग के प्रोसीजर के बारे में भी बात करेंगे। तो यार कुछ डाउट्स आप लोगों के हैं वो स्क्रीन पर आ रहे होंगे। सबसे पहला डाउट ये है कि सर जोसा काउंसलिंग की डेट कब आएगी, मतलब कि डेट जो उसकी एग्जैक्टली डेट क्या है। अभी तक आपको इस बारे में कहीं आपको ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल रहा है, ना किसी ने अभी तक कुछ एक्सपेक्टेड बताया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि भैया कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग कितने हैं, मतलब कि कितने इंस्टीट्यूट इस बार जोसा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद बात आती है कि इस बार COVID-19 की वजह से जैसे कि हमारा सेशन लेट हो गया है, क्या इस बार नंबर ऑफ जोसा राउंड कम होने वाले हैं, तो हम इस बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन एट द एंड यही आता है कि भैया जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर है क्या, What is the procedure of जोसा काउंसलिंग, रियल में जोसा काउंसलिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होने वाला है। तो इस तरह से आप लोगों के काफी सारे डाउट्स हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है कि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या नीड होती है, जो काउंसलिंग करा रहे होते हैं हम जब ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग करते हैं इंस्टीट्यूट में, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होते हैं जोसा काउंसलिंग में। तो यार चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा आया है कि यार जोसा काउंसलिंग की डेट क्या है, तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डेट की, तो यार फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या तो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, मैक्स टू मैक्स इन बीच में इनकी अनाउंसमेंट आ जाएगी, इससे अप डाउन नहीं होने वाली। बिकॉज मेन चीज क्या है कि इस बार यार जोसा काउंसलिंग जल्दी से लोग वाइंड अप करेंगे, तो हो सकता है इस बार यार इस पे राउंड भी कम हो। अब यार दूसरा क्वेश्चन ये आता है निकल के कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कितने पार्टिसिपेट करते हैं, तो 107 इंस्टीट्यूट ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था। अगर जैसे ही यार जेईई मेंस का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है उसके बाद ही ये लोग एक बिजनेस रूल निकालते हैं जोसा काउंसलिंग रिगार्डिंग, उस पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग इन जोसा काउंसलिंग का पूरा प्रॉपर लिस्ट आता है। फिलहाल लास्ट ईयर का जो लिस्ट है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा और आपको हम डिस्क्रिप्शन पर भी दे देंगे लिंक, तो वहां से जाकर उस ब्लॉग के थ्रू आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात आती है क्या भैया इस बार जोसा काउंसलिंग में राउंड कम हो जाएंगे, कितने राउंड कम होंगे, तो मैं आपको बताऊं इस पे दो केस हो सकते हैं। सबसे पहला केस ये है कि नंबर ऑफ राउंड हमारे हो सकते कम हो जाए, हो सकते हैं 7 की जगह 6 या 5 हो, मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं यार कि इससे ज्यादा कभी चेंजमेंट आया भी नहीं है, 6 राउंड तो हो सकता है संभवतः पॉसिबल हो जाएं। और दूसरी चीज ये जो बीच में गैप देते थे, 3 दिन में रिजल्ट आती थी, 2 दिन में आती थी, हो सकता है इसको ये लोग रिड्यूस करें और जल्दी से पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर वाइंड अप कर लें। तो यार जैसे जोसा खत्म हो जाती है उसके बाद बच्चे सारे फिजिकल रिपोर्टिंग में चले आते हैं, हॉस्टल की अलॉटिंग आ जाती है, आपको यार कॉलेज जाना होता है, ठीक है। उसके बाद एक काउंसलिंग और होती है, दैट इज CSAB, सीसैप काउंसलिंग के नाम से आप लोग जानते हो, जिसको स्पॉट राउंड कहते हैं, जिसपे आप लोगों ने सुन रखा होगा कि इसके थ्रू हम अपनी कितनी भी रैंक हो, हमारी 5 लाख 6 लाख हो, और हम डायरेक्टली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और हमको NIT मिल जाता है, आपने ऐसा सुन रखा है। तो इस पर हम एक सेपरेटली वीडियो लाने वाले हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं यार कि जोसा काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आपको यार josa.nic.in पे काउंसलिंग का जब ऑफिशियल नोटिस आ जाता है, सबसे पहले उसके रूल्स आते हैं 70-80 पेज के, वो आपको प्रॉपर रीड करने होते हैं उसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, बिकॉज एवरी ईयर यार रूल चेंज हो जाते हैं, जोसा के कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, इसलिए आपको सारी चीजें पढ़नी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपकी यार चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग के बाद अगर आपकी सीट अलॉटमेंट आ जाएगी तब तो अच्छी बात है, अगर सीट अलॉटमेंट नहीं आती तो आप नेक्स्ट के लिए आप वेट करो जब आपकी सीट अलॉटमेंट आ जाए। अब जिसकी अलॉटमेंट आती है उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, एक आता है फ्रीज, फ्लोट एंड विड्रॉ। अब फ्रीज का मतलब होता है कि आपको जो सीट मिली वो आपको सीट अच्छी लग रही है और आपने वो सीट ले ली और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इस पे यार कुछ आपको अमाउंट पे करना होता है जिसको हम बोलते हैं सीट पे एक्सेप्टेंस फीस। जनरल ओबीसी वाले के लिए 35,000 और SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए 15,000 हमको पे करना होता है। अब हम फ्रीज का तो हो गया, फ्लोट में क्या होता है कि फ्लोट में जो हमको सीट मिली हुई है
उस सीट तो हम ले ही रहे हैं और हम नेक्स्ट राउंड में मूव ऑन करना चाहते हैं, तो फ्लोट कर दो, तो जो आपके पास है वो सीट रहेगा ही रहेगा अगले राउंड में, अगर कुछ उससे बेटर मिल सकता है तो एक्सप्लोर कर जाता है, मतलब कि फ्लोट कर जाएगा। और जो थर्ड ऑप्शन था विड्रॉ, फिर काउंसलिंग में अगर आप विड्रॉ करना चाह रहे हो तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब एट द एंड यार जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सर फिजिकल रिपोर्टिंग पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इस पे बार मैंने बहुत बार ऐसा सुना है सर कि सीट कैंसिल हो जाती है। जी हाँ, ऐसा बहुत बार होता है और इस पे हम यार एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को अगर आप चाह रहे हो कि जल्द से जल्द हम लाएं तो कमेंट करके बताओ। फिलहाल यार ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक, और इसी तरीके से यार वीडियोस पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। हम अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं, कॉलेज रिव्यू को लेकर, स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लेकर, और जैसे कि आपका कुछ भी आपको सी प्रोग्रामिंग सीखनी है, जावा सीखना है, पाइथन सीखना है, तो आपको बहुत सारी इस पर वीडियोज मिल जाएंगी। अभी वीडियो चल ही रहे हैं इस पर सी प्लस प्लस पे, तो आप जाकर इसको वॉच कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे हम उसकी प्ले लिस्ट का। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करके जाना।